छड़ो ठलियों पगारियों खड़न था पर बारन के पढ़ाने के जन उनके बुखार तो चढ़े वो तदे ऐसा कंदासी जने ऐसा इन धरती जा वार्स अख पट्टी दासी अख खोली दासी एहतजाज कंदासी सुधारो इंदो अज सिंध पांजे असलियत दा मोटे पई उन्हीं करे सिंध धरती जा वारसो खसूसन कराची कराची जे रहण वारन असा माणन जे मथों अन्या वडी जिम्मेवारियों आए थन थी हिते सिंधी माणन के बगैर पार्टी फर्क जे पान में बद्दी पान में एक इतिहाद जो मुदायरो करणो पवंदो असा चाहूं पिया त जेके भी वफाक परस्त पार्टियूं आहिनि उहे पंजाब जे मुफादन जे लाइ इस्तेमाल पयूं थियनि पंजाब की दलाली कन पयूं ऐं पंजाब जे मुफादन जो तहफ़ुज़ पयूं कनि उन्हीअ करे सिंध जा वारसो जेतिरे ताईं तव्हां सिंधी थी न सोचींदो पंहिंजी तारीख़ खे ॾिसो त सिंध हज़ारे सालनि खां वठी जॾहिं दुनिया जा माण्हू उघाड़ा घुमंदा हुया जॾहिं दुनिया जे माण्हुनि खे खाइण पीअण रहण जी तमीज़ न हुई तॾहिं बि अॼु खां 5000 साल अॻु मुअन जो दड़ो या शाहिदी थो ॾिए त सिंधी केॾा मुहज़ब हुया जेके आलीशान घरनि में रहंदा हुया जिन जा वॾा कुशादा घर गिटियूं कुशादियूं ड्रेनेज सिस्टम हुया उन वक़्त में ऐं अॼु असां खे हथ वठी ग़ुलामी जे धुमिण में असांखे फिकियो वियो आहे असां चऊं था त अॼु पाकिस्तान जे नाले में मज़हब जे नाले में इस्लाम जे नाले में मुंहिंजी धरती ग़ुलाम आहे ऐं चवां थो ग़ुलामी हिकु वॾी गार जे मिसल हूंदी आहे असां चऊं था त जेको असांखे पाकिस्तानी चए थो ॼण असांखे गार थो ॾिए पियो असां अहिड़े पाकिस्तान खे नथा मञूं ऐं असां सिंधी हुजण ते पाण खे फ़ख्र महसूस था कयूं ऐं हाणे पाकिस्तान पंहिंजा मंतकी ॾींहं पूरा करण वारो आहे हाणे पाकिस्तान ज्यादा अर्थो न रहंदो अॼु मज़लूम बलोच पंहिंजे वतन जे लाइ विढ़नि पिया अॼु मज़लूम बलोच विढ़नि पिया अॼु दुनिया जे क़ौमुनि खे आज़ादी मिले पई ऐं असां सिंधियुनि खे बि आज़ादी मिलणी आहे छो त पाकिस्तान ई गैर फितरी मुल्क आहे ही पाकिस्तान जा बुनियाद जेके आहिनि से दोखे ठगी ऐं फिरेब ते रखियल आहिनि उहो हाणे पंहिंजे मंतकी अंजाम ते पहुचंदो ऐं साईं जीएम सैयद जो नज़रियो फतेह हासिल कंदो जंहिं साईं जीएम सैयद असांखे चयो त सिंध जी आज़ादी असांजो मक़सदु ज़रूरु आहे पर असांजो हक़ीक़ी जेको मक़सदु आहे त पूरी दुनिया ताईं अमन जो मुहबत जो तरक़ी बनियादम जो पैगाम सिंध जे ज़रिए दुनिया ताईं वञणो आहे सिंध जेको पैगाम मुंहिंजे शाह लतीफ़ साईं चयो त साईं सदाई करी मथे सिंध सिकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी जेका दुनिया अॼु मज़हबी इंतिहा पसंदी जे लपेट में आहे जेका दुनिया अॼु तबाही ऐं बर्बादी जे तरफ़ वधे पई उन दुनिया खे सिंध जो सूफ़ीज़म सिंध जो पैगाम ऐं सिंध जेको आहे उहो ई पूरी दुनिया जी रहनुमाई अॻवाणी करे सघे थो उहो इन सूरत में थींदो जॾहिं सिंध आज़ाद थींदी ऐं असां आलमी इंसाननि खे इंसानी हक़नि जे तंज़ीमनि खे ऐं असां ॿियनि क़ौमुनि खे ॿुधायूं था त सिंध अमन ऐं मुहबत जी धरती आहे सिंधी माण्हुनि जे रत में ई अदम तशद्दुद मुहबत ऐं प्यार समायल आहे उन्हनि ना वाझाइण खपे दुनिया खे ऐं आउं चवां थो त दुनिया में जेतिरे ताईं अमुन न थींदो दुनिया जे अंदरि ओतिरे ताईं अमुन क़ाइमु न थींदो जेतिरे ताईं मज़लूम क़ौमुनि खे आज़ादी न ॾियारी वेंदी छो त आउं वॾे वाके चवां थो त इन सॼी बुनियाद परस्ती जी जड़ पाकिस्तान आहे जेतिरे ताईं उहो ख़तमु न थींदो दुनिया जे अंदरि क़ाइमु अमुन नाहे थियणो न थींदो उन करे दुनिया वारनि खे असां मज़लूम क़ौमुनि जे आवाज़ खे ॿुधणु खपे असां मज़लूम बलोचनि जे आवाज़ खे ॿुधणु खपे असां सिंधियुनि जे आवाज़ खे दुनिया खे ॿुधणो पवंदो अॼु असांजे ई धरती ते असांजे ई वतन ते असांखे मारियो थो वञे
अज गोलार्ची में पंजाब में गभरू नौजवान के शहीद किया झंडे की गाल से मानू घुराए हथियार घुराए सजा शहर में उन्हें हड़तालू करायू इन मानन वॉलंटियर शहर पांजा खोलिया तो मानन के मथों गोलियों हलाई हुई अज रेंजर्स उन तहफुज पई करें हर सिंधी मानू अज असा नौजवान जनाला भी पाजा नथा खड़ी सकन उ भी रेंजर्स के तहफुज में खया अं पुलिस उन पकड़ के लिए तैयार को गुंडन के पकड़ के लिए तैयार को बुधायूं ता पंजाबी दहशतगर्दन जी दहशतगर्दन कार्रवाई के लगाम दिनो वे गुलशन हदीद का वी मेहरापुर का वी गोलार्ची का वी सिंधी मानन सा ज्यादती पा पंजाब कन उन बाज न आयो तो सुभाने जेके नतीजा निकरंदा असा उनका जिम्मेवार न हुंदासी असी मोहब्बत जा पेरोकार आयूं अदम तशद्दुद जा पेरोकार आयूं पर केर असांजा गबरू घोट कोंदो तो असा उनके हार कोन पाराईंदासी असा बुधायूं ता तो असांजे इन कातलन के फौरी तौर ते गिरफ्तार न कयो वयो तो जीएसएन कौमी महाद सजी सिंध के अंदर एहतजाज कंदी 28 तारीख ते शहीद माजिद मेमण जी जे कातलन के गिरफ्तार करण के लिए पंजाबी दहशतगर्दी खत्म करण के लिए सजी सिंध के अंदर मुजाहरन जो ऐलान तो कया तो जी सजी सिंध के अंदर कौमी तहरीक का कारकुन निकरी पांजे शहीद साथी सा इंसाफ कन ताजी मेहरबानी आखिर में आऊं यही चौदस तो घोड़न घोटन जीण थोड़ा डीणा कदें मुझे कोटन कदें राई रण जा मेहरबानी वाली बशीर खान।